हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा है चैप्टर थ्री। चैप्टर थ्री है डेसिमल्स। इसका एक्सरसाइज थ्री है, हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है मेन? डेसिमल। डेसिमल होता क्या है? द नंबर एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल्स। द नंबर एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म्स आर कॉल्ड डेसिमल। ओके, इट डेसिमल हैज टू पार्ट्स। इट डेसिमल हैज टू पार्ट्स, whole number parts and decimal parts. कैसे? For example, 82.62. 82 is whole number part. Okay, and 0.62 is decimal part. ठीक है? डेसिमल के कितने पार्ट्स होंगे? टू, होल नंबर पार्ट्स एंड डेसिमल पार्ट्स। जो डेसिमल से आगे रहेगा वो होल नंबर पार्ट्स होगा, और डेसिमल एंड पीछे का जो नंबर होगा वो क्या होगा? डेसिमल पार्ट होगा। सिर्फ डेसिमल में ये दो तीन चीजें ही हैं, बाद में एक्सरसाइज में डिस्कस करते चलेंगे। एक्सरसाइज 3A में क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 0.8, डेसिमल 8, डेसिमल को ही पॉइंट भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 8, डेसिमल के लिए लिखते हैं 1, और जितने भी डिजिट होंगे उसके लिए उतने ही 0, 1 डिजिट है तो 10। 8/10 क्या हो गया? फ्रैक्शन। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए 2 से दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं, 2 4 जा एंड 2 5 जा। 4/5 इज सिंपलेस्ट फॉर्म। 4/5 इसकी क्या हो गई? सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 0.285, इसको कैसे लिखेंगे? 285/, डेसिमल के लिए 1, 1, 2, 3, तो 3, 0। ओके, अब जिसके पीछे 5 है और 0 है वो किससे कट होता है? 5 से। 5 5 जा 25, 3 बच गए, 5 7 जा 35, 5 2 जा 0 एंड 0। अब नहीं कट रहे आगे, 57/200 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर कट भी रहे तो आप उसको काट सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको सेकंड क्वेश्चन में किसमें लिखना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको पता है मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसा होता है? जैसे 3 होल नंबर एंड 1/2, इस तरह के नंबर को क्या बोलेंगे? मिक्स फ्रैक्शन। तो मेरे पास जैसे क्वेश्चन है 12.25, ओके, इसको ये मैंने आपको बताया होल नंबर है। आगे वाले क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर कहाँ लिखा जाता है? अपॉन के यहाँ सीधे, बिल्कुल बीच में। ठीक है, तो होल नंबर यहाँ लिख दो सीधा सा। फिर 25, डेसिमल के लिए 1, 2 डिजिट है तो 20, बस इतना ही करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें होल नंबर यहाँ लिखना होता है। फिर नेक्स्ट है 4.625। डेसिमल के बाद के नंबर सिंगल सिंगल बोले जाते हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे 625, नो, 4.625। ओके, आप इसको कैसे लिखोगे? 4 ये होल नंबर हो गया, फिर 625 10। ठीक है, फर्स्ट टू क्वेश्चन आपके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है देखो, आपको पूरा वीडियो सुनना है बेटा, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आप लोग वीडियो नहीं सुनते हैं, जब तक आप वीडियो नहीं सुनोगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल। अब किसमें कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। जिसमें मेरे पास है 47/10, 2516/100 एंड 25/8 एंड 3 होल नंबर 2/5, इस तरह के भी नंबर आपको आएंगे। तो ये तो आप लोगों के लिए इजी है, इनको कैसे करोगे पहले इजी देखते हैं। 47 लिख लिया, एक जीरो है तो पीछे से एक डिजिट काउंट करोगे, और यहाँ क्या लगा देंगे? डेसिमल। जीरो के लिए एक डिजिट और वन के लिए डेसिमल। अब इसका क्या लिखेंगे? 2516 लिख लिया, 20 है, चलो पीछे से 2, अब डेसिमल यहाँ। ठीक है, इस तरह से। अब मेरे पास है 25/8,
नीचे क्या होना चाहिए, या 10 या 100 या 1000 कुछ ऐसा होना चाहिए तभी बनता है। 8 को किससे मल्टीप्लाई करें, या तो हमारे पास 100 हो जाए या 1000 हो जाए या 10 हो जाए, 10 तो हो नहीं सकता। अगर मैं इसको 10 से करती हूँ तो क्या आएगा, 80, वो भी नहीं होगा। 25 8 जा क्या होता है, 8 5 जा 44, 8 2 जा 16 एंड 4 200, ये भी नहीं हुआ। कुछ और सोचो, हमें कितना चाहिए नीचे। अब इसमें ये है क्लियर कि 100 तो नहीं आएगा, क्या आएगा, 1000। 1000 के लिए करते जाओ, अब देख लेते हैं। चलो 25 हमने देख लिया, नहीं हुआ। 40 से भी नहीं होगा, 50 से भी नहीं होगा, 25 से नहीं होगा, 8 5 40 8 4 16 2 20 नहीं भाई। चलो एक ऐसे कर लेते हैं फिर, इसको एक और फार्मूला इसमें दिया हुआ है, दो तरीके हैं। एक तो नीचे बनाओ 100, वो नहीं रहे तो दूसरा जो हमारी बुक में दिया हुआ, सिंपल। क्योंकि इसके लिए डायरेक्ट नहीं बन रहा तो फिर आप लोगों के लिए कंफ्यूजन रहेगी, कुछ लोग तो कर लेंगे कुछ के लिए नहीं रहेगी। तो जो बुक में दिया वो बताते हैं, सीधा सा इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। 8 2 16 8 3 24 1, डेसिमल यहां लगाओ यहां लगाओ, एक जीरो लगाई जब तक कंप्लीट डिवाइड नहीं करता। 8 1 जा 8 2, फिर एक जीरो ले आओ, 8 2 जा 16 4, फिर एक जीरो ले आओ, 8 5 जा 4, ठीक है। तो आंसर क्या आया, 3.125। तो ये मोस्टली बच्चों के लिए इजी रहेगा, तो आप इस तरह कर लेना। फिर है जैसे 3 होल नंबर 2 एंड 5, सेकंड फार्मूला इसमें बता देती हूँ, दोनों से बता देते हैं। 5 3 15 प्लस 2 17 अपॉन 5, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, 25 जा क्या होता है 100, तो मल्टीप्लाई 20 बाय 20, 340 और ये 100, ठीक है। अब अगर इसमें डेसिमल लिखोगे तो कैसे होगा, एक तो मैंने यहाँ 20 से कर दिया, ये भी ठीक है आपका, 340 और दो जीरो है तो यहाँ। दूसरा 17 अपॉन 5 2 मल्टीप्लाई 2, 17 2 जा 34 5 2 जा 10, ये भी ठीक रहेगा और ये भी ठीक रहेगा, और डिवाइड करके भी दिखाते हैं, 3.4। अगर आपको ये भी नहीं याद रहता तो सीधा सा डिवाइड कर दो 17 को 5 से, 5 3 जा 15, 2 डेसिमल लगाओ 0 लेके आओ, 5 4 जा 20, तो आंसर क्या आ गया, 3.4। आपको सभी तरीकों से बता दिया गया जो आपको इजी लगे, ठीक है। नेक्स्ट है फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल्स कैसे होते हैं वो अब आपको बताते हैं। लाइक डेसिमल में जो डेसिमल के पीछे के डिजिट होते हैं सभी में सेम रहेंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे। कैसे, देखो जैसे मेरे पास क्वेश्चन नंबर ए पार्ट बी पार्ट लेते हैं पहले, 3.5 0.67 15.6 एंड 4, ये दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो लाइक में। लाइक क्या होता है कि देखो इसमें कितने डिजिट हैं, 1, इसमें कितने, 2, इसमें 1 और इसमें है ही। सबसे लाइक में क्या रहेगा, अगर चेक कर लिया कि दो डिजिट वाला है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2, अब सब में 2 हो जाएंगी डेसिमल के बाद तो वो लाइक डेसिमल हो जाएगी, ठीक है। अब इसके लिए 3.5 क्या लगाऊंगी मैं, 10, ठीक है। डेसिमल हो तब उसके बाद 0 आप लगा सकते हैं, बीच में नहीं लास्ट में, 0.67 इसमें जरूरत नहीं है, दो दो डिजिट हो गई, 15.60 4.00, ये किस में कन्वर्ट हो गया, लाइक डेसिमल्स। ओके,
तो फर्स्ट पार्ट में ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट पार्ट में आपकी 0.274 है तो 3 डिजिट हो गए, तो 3 पार्ट बना लेंगे। देखो जैसे 6.5, 16.03, 0.274.4, कितने हैं 3। लाइक बनाने के लिए क्या होना चाहिए सब में 3, तो लाइक डेसिमल क्या होगा 6.500, 16.030, 0.274, 119.400। ठीक है, बहुत इजी है बेटा, गलत मत करना आप लोग, आप पिछले साल भी पढ़ चुके हो, बहुत लंबा चैप्टर था आपका सिक्स में, तो ये इजी रहेगा। अब है हमारा, अब आपको सिंबल फिल करना लेस देन एंड ग्रेटर देन, कंपेयर करना मींस, तो कंपेयर कैसे करते हैं ये देखो, ये भी आप पढ़ चुके हैं, आपके लिए एक्सरसाइज बहुत इजी है। 7.823, 69.85, सबसे मुश्किल ये रहता है आप लोगों के लिए, ये देखते हैं 46, 1.85, 1.805, ये थोड़ा मुश्किल रहेगा आप लोगों के लिए, तो इसमें कन्फ्यूजन रहता है। सबसे पहले कंपेयर करना होल नंबर से, 78, 69, तो ये यहाँ से ही पता चल रहा है 78 वाला बड़ा होगा, जो भी बड़ा होता है वही 3 मारता है, आपको कंफ्यूजन ही नहीं करना कि इसमें सिंबल में लेस देन कौन है ग्रेटर देन कौन है, आपको सिर्फ ये याद रखना कि बड़ा कौन है, बड़े से हमें 3 लगाना है। ठीक है, फिर आता 3 पॉइंट, अब 3 सेम है, अब कैसे कंफ्यूजन क्लियर हो, फिर आ जाओ 406, अब ये क्या है 46 और ये है 406, तो आप क्या करोगे सीधा सा इसको ग्रेटर बता देंगे कि ये 406 है वो ओनली 46 है। नो बेटा, पहले उसको लाइक में कन्वर्ट करो, पहले किस में लाइक, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो, इसमें कितने डिजिट है 3 और इसमें कितने 2, एक अपने पास से बना, अब ये 406 और ये 460, तो कौन ग्रेटर हुआ 3.460, तो वो 3 मारेगा। ओके, फिर है 1 एंड 1, कंफ्यूजन, फिर ये 85 वो 805, सबसे पहले हमें कुछ नहीं देखना कि लाइक बनाना है, उसमें 3 डिजिट है तो इसमें भी 3 डिजिट करनी है। अब देखो 850 या 805 कौन, 850। ठीक है, जो मेन कंफ्यूजन थी वो आपकी मैंने बता दी है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, असेंडिंग ऑर्डर करना है फिर डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए आपको सबसे पहले लाइक में कन्वर्ट करना है, अगर आप नहीं करते हो तो गलत रहेगा, कुछ ना कुछ आप मिस्टेक कर ही दोगे। तो आपको एक एग्जांपल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, ये ले लेते हैं हम 0.5, 5.5, 5.05, 0.05, 5.55, ये 6 का 2 पार्ट है। ओके, सबसे पहले मैंने बताया आपको कंफ्यूजन खत्म करने के लिए इसको लाइक में कन्वर्ट कर, लाइक डेसिमल कितने डिजिट है ये 2, तो इसको लिखेंगे 0.50, 5.50, 5.05, 0.05 and 5.5, लिखना किसमें ये असेंडिंग ऑर्डर में, इसी क्वेश्चन को मैं असेंडिंग में बताऊंगी, इसी को डिसेंडिंग में। असेंडिंग में क्या है, सबसे छोटा सबसे लो क्वालिटी क्वांटिटी पहले लिखनी है, फिर थोड़ा ग्रेटर, फिर ग्रेटर, फिर ग्रेटर। अब यहाँ पर सबसे छोटा कोण है ये 50 है, ये 5.50 है, ये 0.05 ये सबसे छोटा है, इसको 1 मार्क कर देते हैं। सेकेंड टाइप कौन आएगा 50, इसको 2 मार्क कर देते हैं, स्टेप सेकेंड स्टेप। फिर अब कौन आएगा, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, सभी 5 5, लेकिन 5.05। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेप। अब 5.5, 5.50 एंड 55, तो 50 कम है, ये 4 एंड ये 5 स्टेप। असेंडिंग ऑर्डर में पहले फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमारा है दिस, सेकंड दिस, थर्ड 5.05, 4 5.50, sorry 5.0, 5.55, 5.
क्या होता है, सबसे लास्ट वाला है यानी कि सबसे बड़ा या लास्ट स्टेप पहले करना होता है, फाइव स्टेप पहले आएगा, फिर फोर वाला स्टेप 5.50, फिर आएगा 5.05, फिर आएगा 0.5 एंड 0.5. ओके, सेम रहेंगे 6 और 7 क्वेश्चन, दोनों में बता दिया, यही पैटर्न रहेगा सभी क्वेश्चन के लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको, इस तरह से करेंगे, सबसे पहले उसको लाइफ में कन्वर्ट करना. 6 और 7 दोनों हो गए आपके, 8, 9 और 10 तीनों थोड़े इक्वल से हैं, देखो कैसे करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, 8 में क्या कहता है, एक्सप्रेस 45 mm इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर. गिवन है मेरे पास 45 mm, किसमें चेंज करना है, सेंटीमीटर में, फिर उसके बाद मीटर में, फिर उसके बाद किलोमीटर. ठीक है, 3 क्वेश्चन बना दिए इसने. अब आपको पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं, 10. अब 1 मीटर में, अब चलो पहले 1 स्टेप करते हैं, तो मैं क्या करूंगी, 45/10, ये क्या बन गया सेंटीमीटर, इसको फिर डेसिमल में लिखो 4.5 डेसिमल. अब मेरे पास आ गया सेंटीमीटर, अब मुझे किस में चेंज करने हैं, मीटर में, ये इसी को कर दो. जब 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं तो 1 मीटर में कितने होंगे, 1 मीटर में कितने होंगे, 10 × 100 कर दो. क्यों, क्योंकि 100 क्या होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. आप लिखना चाहो तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो. अगर ये डायरेक्ट आपको याद नहीं रहता है तो आप इस तरह कर देना, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm. ठीक है, तो 45/1000 कैसे लिखेंगे, 45, 1, 2, 3, 1, 2 मोल ले, 1 0 लगा लो, फिर डेसिमल, और क्या लिखना है, मीटर, ये नहीं लिखोगे तो आप गलत हो जाएगा. अब किलोमीटर की बारी आई, अब किलोमीटर में कितने एमएम होंगे, फिर भूल गए चलो हम तो, अब क्या करें, हमें ये पता है 1 मीटर में कितने एमएम हुए, 1000, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1000, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसको निकाल दो. ठीक है, फिर रहेगा क्या करवाती हूँ मैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 8, 9 रुपीज में कन्वर्ट करना, किसमें करना है, रुपीज में, जिसमें मेरे पास है 8 पैसे, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, तो 8/100 रुपीज, आर ई भी लिखेंगे और आर एस भी, दोनों करो 8, लेकिन कितने जीरो है, 2 डिजिट होने चाहिए ऐसा. ठीक है, वो क्वेश्चन देखिए आप, नाइन रुपीज, चलो ये बताते हैं, 8 रुपीज 5 पैसे. ठीक है, आपको ये बता देते हैं, ये तो रुपीज है, ये पैसे, इसको कन्वर्ट करना है, तो 8 रुपीज प्लस 5/100. ठीक है, अब रुपीज यहाँ ले लो 8, इसके बाद क्या लगा दो, प्लस के लिए क्या लगा दो, डेसिमल, 20 यानी कि 0.5 पैसे, कैसे आएंगे, 0.5, 50 मत बनाना, 2 जीरो तो उसके आगे लगानी है. ठीक है, जैसे ये था 9 रुपीज 75 पैसे, ये इक्वल था 9 + 75/100 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. ठीक है, तो 65 मीटर को 65/1000
65, लेकिन तीन जीरो है, एक लगा लीजिए आप आगे, और ये क्या बन गया, उसी तरह है 3 किलोमीटर 5 मीटर। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे आप, 3 किलोमीटर तो कंप्लीट है आपका, प्लस 5/1000, ये बताया मैंने ऊपर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 3 decimal, 5 कितने डिजिट है, 0 है 3, तो 3 डिजिट आने चाहिए, 5 सिंगल है तो मैं 2 0 लगा लूंगी, और इसको क्या लिखेंगे, किलो। ओके बेटा, मैंने आपको एक्सरसाइज 3A कंप्लीट सोल्व करवा दिया है, फिर भी किसी की प्रॉब्लम रहती है तो आप पूछ लेना, डिस्कस कर लेना, तो आपका होमवर्क रहेगा दो एक्सरसाइज 3A इन। ओके, थैंक यू।